पीएनबी वन ऐप का सबसे बड़ा फीचर है कि इससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक 24/7 फैसिलिटी है, बैंक चाहे खुला हो या बंद हो कभी भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें आप सेल्फ अकाउंट यानी कि अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बेनिफिशियरी भी ऐड करना नहीं पड़ेगा, किसी भी बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा आप बेनिफिशियरी ऐड करके पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पीएनबी वन का, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, अलग अलग चैप्टर्स हमने बना दिए हैं। अगर आपको कोई खास सेक्शन देखना है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा आपको यहाँ पर सजेशन होगा कि एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद कभी भी डाउट हो तो आप उस सेक्शन को दोबारा विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इसका पूरा डिटेल में हम लाइव डेमो देखेंगे। यहाँ पर मैंने पीएनबी वन ऐप को ओपन कर लिया है, तो पे एंड ट्रांसफ़र में देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो एक एक करके हम सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र फंड टू सेल्फ, इसको हम देख लेते हैं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक सेविंग्स अकाउंट है और एक करेंट अकाउंट है या फिर ओडी अकाउंट है, तो आप अपने ही पीएनबी अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो देखिए ट्रांसफ़र फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप चाहें तो ड्रॉप डाउन एरो की मदद से बदल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और ट्रांसफ़र टू में सेलेक्ट बेनिफिशियरी का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके जो भी पीएनबी के अकाउंट्स होंगे, दूसरे अकाउंट होंगे, यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमाउंट एंटर करना है, अमाउंट को मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है, आप चाहें तो तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी डेट किसी तारीख को पैसा भेजना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे। तो व्यू समरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, कौन से अकाउंट से पैसा जाने वाला है, कौन से अकाउंट में पैसा जाने वाला है, अमाउंट क्या है, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पर टी पिन एंटर करना है, तो टी पिन को मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ, टी पिन यानी ट्रांजेक्शन पिन। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, पैसा बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर हम दोबारा चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्विक फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इससे आप 10,000 रुपये तक पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना कोई बेनिफिशियरी ऐड किए, यानी कि आप तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कोई इसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है ये तो पहले से दिया हुआ है, अवेलेबल बैलेंस भी दिखा रहा है। एंटर पेई डिटेल्स, पेई डिटेल में क्या है, पीएनबी अकाउंट नंबर, आप चाहें तो पीएनबी के किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आपको किसी भी बैंक में किसी भी बैंक दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप IMPS IFSC वाला जो ऑप्शन है इसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर करना ये है कि अकाउंट नंबर एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है, अकाउंट होल्डर नेम, बस आपको इतना ही डिटेल चाहिए होगा। तो अभी हम SBI के एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके देखेंगे, इसको ट्रायल करेंगे। तो पहले तो मैं अकाउंट नंबर को एंटर कर लेता हूँ, कन्फर्म अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर को दोबारा से एंटर करना है, उसके बाद देखिए अमाउंट एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्विक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर येस को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो बेनिफिशियरी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना है, सिंपली मुझे एक बार ही पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो इसको मैं व्यू समरी कर लेता हूँ,
यहाँ पर समरी आ चुका है, जैसा कि अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रहा है और फ्रॉम टू सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। टीपिन एंटर करना है तो टीपिन एंटर कर देते हैं। ओटीपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना होगा। तो यहां पर हमारा ओटीपी आ चुका है 742573, 742573, कंफर्म। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, पैसा बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो गया। इस तरह से आप किसी भी बैंक अकाउंट में क्विकली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप पीएनबी के ही किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको फंड ट्रांसफर में जाना है, उसके बाद क्विक फंड ट्रांसफर, तो देखिए पीएनबी अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अमाउंट, बस इतना ही आपको एंटर करना है। तो चलिए इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने अकाउंट नंबर को एंटर किया तो अकाउंट होल्डर नाम अपने आप आ चुका है। अकाउंट होल्डर नाम मैंने एंटर नहीं किया है बल्कि यहाँ पर अपने आप से आया है। इस तरह से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आप जिस आपने जो अकाउंट नंबर एंटर किया है वो सही है या नहीं है। तो अमाउंट मैं एंटर कर देता हूँ। आप चाहें तो रजिस्टर बेनिफिशियरी भी कर सकते हैं लेकिन अभी मुझे रजिस्टर नहीं करना है। व्यू समरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। टीपिन एंटर करना है, ओटीपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको एंटर करना होगा। तो देखिए ओटीपी यहां पर आ चुका है 018539, 018539, कंफर्म। यहां पर हमारा काम हो चुका है, पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह से आप पीएनबी के किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बार बार पैसा ट्रांसफर करना रहता है या फिर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड बेनिफिशियरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद 2 घंटे के बाद पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अगर आप पीएनबी अकाउंट होल्डर को ऐड करना चाहते हैं एज ए बेनिफिशियरी तो आपको केवल अकाउंट नंबर एंटर करना है, नाम एंटर करना है, बस इतना ही आपको एंटर करना है। लेकिन अगर आप अदर बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, उसके साथ आईएफएससी कोड एंटर करना होगा। अकाउंट होल्डर नाम आपको पूरा नाम एंटर करना है और निकनेम में आप शॉर्ट नेम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि पहला नाम आप एंटर कर सकते हैं। डेली ट्रांजेक्शन लिमिट आपको सेट करना होगा। तो इसको सारे डिटेल हम एक एक करके फिलअप करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है, आईएफएससी कोड एंटर कर दिया है। आईएफएससी कोड जैसे ही मैंने एंटर किया तो बैंक का नाम और ब्रांच का एड्रेस पूरा यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर करके रखा है। अकाउंट होल्डर नाम, निकनेम, ये सब भी मैंने एंटर कर दिए हैं। अब डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट लिमिट सेट करना है, यानी कि एक दिन में मैं मैक्सिमम कितना ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको 1,00,000 रुपीज़ कर लेता हूँ। आपको जितना भी पर डे इस अकाउंट में भेजना रहेगा मैक्सिमम, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट, एक दिन में कितना पैसा मैं, कितनी बार मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ इस अकाउंट में, तो इसको मैं अभी के लिए 10 एंटर कर देता हूँ। व्यू समरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, कन्फर्म करना है। एक बार आप इसको प्रॉपरली चेक कर लें, जैसे कि आईएफएससी कोड आपने सही एंटर किया है या नहीं किया है, उसके बाद इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। टीपिन एंटर करना है, टीपिन को मैं एंटर कर लेता हूं। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। फाइव थ्री वन सिक्स एट वन, फाइव थ्री वन
681 इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, यू विल बी एबल टू ट्रांजेक्ट टू द न्यूली एडेड बेनिफिशियरी आफ्टर 2 आवर्स ऑफ कूलिंग पीरियड। 2 घंटे के बाद ही आप इस बेनिफिशियरी को पैसा भेज पाएंगे। इस तरह से आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफर कैसे करें। तो फंड ट्रांसफर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी, इसमें आपने पहले से जो बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हैं उनको आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां से ऑप्शन आ रहा है देखिए, ट्रांसफर टू सेलेक्ट बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहां पर अलग अलग बेनिफिशियरी हमने ऐड करके रखे हैं। बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है ये तो हमने देख लिया। तो चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट देखिए, ट्रांसफर बेनिफिशियरी एक बार हम कर लेंगे तो IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब कुछ हमें कुछ एंटर करना नहीं पड़ेगा, केवल हमें अमाउंट एंटर करना है। तो अमाउंट को मैं एंटर कर देता हूँ, 500 रुपीज मुझे ट्रांसफर करने हैं। ट्रांसफर मोड पहले से सिलेक्टेड है, इसको कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। IMPS पहले से है। IMPS में होता ही है कि पैसा आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। रिमार्क्स ऑप्शनल है, इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। व्यू समरी हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका अमाउंट सही है या नहीं है। उसके बाद इसको कंफर्म कर लेते हैं, TPIN एंटर कर लेते हैं। अब OTP आएगा, सेवन टू वन टू सिक्स नाइन। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल हमने अमाउंट एंटर किया और हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया। तो आपको अगर बार बार किसी को पैसा ट्रांसफर करना रहेगा तो आप इस तरह से एड ए बेनिफिशियरी कर लीजिए। और कभी भी आपको पैसा ट्रांसफर करना होगा तो आप केवल बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करें, अमाउंट एंटर करें और अपना पैसा आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप PNB One ऐप से फंड ट्रांसफर फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।